फ्रेंड तबरेज आप देख रहे टेक्नीशिप चैनल। सो गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप किसी के भी मोबाइल का फ़ोटो वीडियो ऑडियो एसएमएस फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ये सभी कुछ आप अपने मोबाइल में कैसे देखोगे, यानी कि दूसरे के मोबाइल का फ़ोटो वीडियो कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन नंबर एसएमएस यानी कि सभी कुछ दूसरे के मोबाइल का आप अपने खुद के मोबाइल में कैसे देखोगे। किसी के भी मोबाइल को आप 2 मिनट के अंदर में कैसे मोनिटर करोगे, कैसे एक्सेस आप करोगे, यही सब मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप ये वीडियो को शुरू से लेके एंड तक का देखिए और मैं एकदम साबूत के साथ आपको करके दिखाने वाला हूं। किसी के भी मोबाइल का आप फोटो और वीडियो एसएमएस फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ये सभी कुछ जो है आप अपने मोबाइल में देख सकते हो। बस ये वीडियो को आप एंड तक का देखिए, मैं पूरे साबूत के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। और आप लोगों ने आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, हम किसी के भी मोबाइल का फोटो और वीडियो और ऑडियो एसएमएस फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर हम अपने मोबाइल में कैसे देखेंगे, यानी कि हम किसी के भी मोबाइल को हम अपने मोबाइल से कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए जो आपको जिसके मोबाइल का आपको फोटो और वीडियो और ऑडियो एसएमएस ये सभी कुछ देखना है तो उसके मोबाइल में एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं 2 मोबाइल को रखा हूँ, तो आपको जिसके मोबाइल का जो है आपको फोटो वीडियो देखना है उसका मोबाइल आप सिर्फ 2 मिनट के लिए ले लीजिए। तो मान के चलिए यहाँ पर देखिए मैं 2 मोबाइल रखा हूँ, एक है सैमसंग का एक है यहाँ पर लावा का। तो मैं ये सैमसंग में जो भी फोटो और वीडियो और कॉन्टेक्ट नंबर और एसएमएस जो भी कुछ है ये सभी कुछ मैं ये वाला मोबाइल में लावा में मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए हम ये वाले मोबाइल में सैमसंग में हमें एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए, उसका मोबाइल लेके प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर देखिए एयर ड्राइव है, यहाँ पर ये एयर ड्राइव सॉफ्टवेयर उसके मोबाइल में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो ये डाउनलोड होने के बाद जो आपको इसमें कुछ सेटिंग आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम ये सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम एक सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है और यहाँ पर देखिए ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट साइड में आपको नीचे में देखिए मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप मी पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको जो इसके ये इसमें जो आपको एक जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा और एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर में देखिए लिखा हुआ है साइनिंग, तो आप यहाँ पर साइनिंग पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको ऊपर में देखिए साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ पर आप साइन अप पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो आपको एक न्यू जीमेल आईडी यहाँ पर जो है इसका अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियो जो स्किप कर दूंगा क्योंकि टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आपको ईमेल डालना है और उसके बाद यहाँ पर जो है नया ईमेल डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पर दोबारा से भी पासवर्ड वही डालना है सेम टू सेम, उसके बाद यहाँ पर निक नेम डालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी फॉर्म यहाँ पर भर दिया हूँ, यहाँ पर देखिए मैं ऊपर में लिख दिया हूँ अपना जीमेल आईडी एक नया वाला बना दिया हूँ, उसके बाद नीचे में आप पासवर्ड लिख दीजिए, फिर दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पर डालिए और उसके बाद यहाँ पर नीचे में निकनेम डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिये नीचे में लिखा हुआ साइन अप, तो आप साइन अप पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एक आईडी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आईडी को आपको ये जीमेल आईडी को और ये पासवर्ड को आपको याद करके रखना है क्योंकि इसी से आप जो फोटो और वीडियो और ये कुछ भी देख सकते हैं, मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको जो है आपको ये पासवर्ड और ये आईडी को जो है जीमेल आईडी को आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पर चलिए हम साइन इन पे जो है क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर हम साइन इन पे क्लिक कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर देखिए ये हमारा जीमेल आईडी जो है बनके रेडी हो चुका है। तो जो मैं बताया हूँ आपको जो इसे हमें याद करके रखना है, तो बस आपको इसे याद करके रखना है, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो आपको अब आपका काम यहाँ पर जो हो चुका है, तो ये सबको कुछ भी इनेबल करोगे तो जो यहाँ पर आपको पैसा मांगेगा, तो इसे आप इनेबल नहीं करना है। तो आप सीधा बैक आ जाइए और उसको जो है ये मोबाइल आप दे दीजिए, जिसका मोबाइल आप लिए थे उसको ये मोबाइल दे लीजिए।
अब जो है आप अपने मोबाइल में आइए और आप अपने मोबाइल में यहाँ पर जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं क्रोम ब्राउजर को ये वाला लावा के मोबाइल में ओपन कर लिया हूँ और ये मोबाइल को मैं थोड़ा सा ऐसा साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए एयरड्राइड, तो यहाँ पर आप एयरड्राइड लिखिए। यहाँ पर देखिए मैं ऊपर में लिख दिया हूँ, यहाँ पर हेडिंग में देखिए एयरड्राइड, तो आप यहाँ पर एयरड्राइड लिख के यहाँ पर सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पहला वाला वेबसाइट जो आया है, ये वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आ गया, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको वही जीमेल आईडी और वही पासवर्ड जो है आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले से जो है यहाँ पर दूसरा वाला डाल के रखा था, तो इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर वही वाला जीमेल आईडी मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर चले मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं वही वाला जीमेल आईडी और वही वाला पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम साइनिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम साइनिंग पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है इसके मोबाइल का जो है यहाँ पर ये सैमसंग के मोबाइल का यहाँ पर सभी कुछ आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम गेट पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद नो थैंक्स पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है। अब इसके मोबाइल का ये सैमसंग के मोबाइल को जो पूरे तरीका से यहाँ पर जो कंट्रोल कर लेगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब जो है यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ये सैमसंग के मोबाइल का ये मोबाइल का यहाँ पर जो स्टोरेज यहाँ पर दिखा रहा है, कितना जीबी खाली है और कितना जीबी बाकी है, यहाँ पर आपको बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये मोबाइल का फोटो और वीडियो यहाँ पर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं फोटो पे ऐसा क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको ये सैमसंग के मोबाइल का फोटो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फोटो जो है ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये फोटो जो है मेरा ये सैमसंग के मोबाइल में। अगर आप ये फोटो को चाहे तो आप यहाँ से ये फोटो को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा मार्क लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए डाउनलोड भी है और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं पसंद है, अगर आपके घर में किसी फैमिली मेंबर के मोबाइल को आप कंट्रोल किए हुए, अगर उसके मोबाइल में कोई ऐसा वीडियो और फोटो है तो आप यहीं से चाहे तो ऐसा करके आप यहाँ पर से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिलीट हो गया ये फोटो जो इसके मोबाइल से डिलीट हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सैमसंग के मोबाइल में भी ये फोटो को आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सैमसंग के मोबाइल में मैं अभी गैलरी को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला गैलरी है और ये गैलरी को मैं ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी फोटो यहाँ पर देख लिए। ये वाला फोटो है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये सेम टू सेम फोटो है। तो ऐसा करके जो है आप किसी के भी मोबाइल को जो है कंट्रोल कर सकते हो, उसके मोबाइल का फोटो और वीडियो सभी कुछ देख सकते हो। तो ये वाले सैमसंग के मोबाइल में मेरे जो है सिर्फ फोटो है, वीडियो नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है वीडियो अभी मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे तो आप उसके मोबाइल का फोटो, वीडियो, ऑडियो, कॉन्टेक्ट नंबर सभी कुछ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए सभी फाइल उसका यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए फोटो है, म्यूजिक है, मैसेज है, रिंगटोन्स है, यहाँ पर देखिए फाइल्स है, कैमरा है, सभी कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर है, सभी कुछ है। यहाँ पर जो है आप कॉन्टेक्ट नंबर पे क्लिक करोगे तो ये मोबाइल का जो कॉन्टेक्ट नंबर इसमें आपको दिखाई देगा। तो ऐसा करके आप किसी के भी मोबाइल को एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बस ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो और ये मोबाइल लेके दुनिया के कोई भी कोने में चले जाएगा तो आप उसके मोबाइल का फोटो, वीडियो, ऑडियो सभी कुछ जो है डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो रहा है। तो ये मेरा पर्सनल है इसलिए मैं इसे ओपन नहीं करूंगा, यहाँ पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है।